उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है और कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कलियर और भगवानपुर, झबरेड़ा के बाद मंगलौर पहुंची, जहां पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उनके साथ मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन जैसे नेता पहुंचे। दिग्गज कांग्रेस नेताओं के पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही भारी जनसमूह ने उनका भव्य स्वागत किया। मंगलौर विधानसभा में हजारों की भीड़ में जनसभा आयोजित की गई। प्रदेश नेतृत्व ने एक ही स्वर में यहां की जनता को अन्य पार्टियों के बहकावे में न आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में आज किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों से लेकर रेहड़ी वाले और बेरोजगार युवा सभी बीजेपी की नीतियों से परेशान और तंग आ चुके हैं, इसलिए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को ही वोट दें। का माहौल पूरे प्रदेश में है, भाजपा के खिलाफ जो रोष है और लोग स्वतः ही अपने मुंह से हरीश रावत जी के कार्यों को, कांग्रेस के कार्यों को याद करते हैं, साफ दिखता है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और रही बात कार्यक्रमों की, तो ये तो परिवर्तन यात्रा है, जगह जगह लोग स्वागत करते हैं अपने लोगों के साथ, वो तो वो स्वाभाविक सी बात है। जो व्यक्ति काम करेगा फील्ड में, वो अपने लोगों के साथ यात्रा का, अपनी पार्टी की विचारधारा से जिसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो यात्रा आ रही है तो उनका स्वागत करेंगे। तो इसमें तो खुशी मनाने की बात है, जिस तरीके से लोग घंटों घंटों इंतज़ार करके यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, ये साफ झलकता है कि कांग्रेस आ रही है और सब लोग मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस को यहाँ लाने का कार्य करेंगे। ये जनता जनार्दन की आवाज़ जो है वो खुदा की आवाज़ और परमात्मा की आवाज़ होती है। अगर जनता के दिल में हम धड़केंगे और हम हमारे कार्यशैली को पसंद करेगी तो ये आवाज़ निश्चित तौर पर हाईकमान तक भी पहुँचनी चाहिए और ये हाईकमान का फैसला है। लेकिन इस बार जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप देख भी रहे होंगे, क्षेत्र का जो है, खासकर जो है मंगलौर क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, गांव का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब मजदूर का बच्चा जिसने हल चलाया वो विधानसभा जाएगा, ये मैं निश्चित तौर पर आपसे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिल अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल अहमद जी, जिस तरीके से ये परिवर्तन यात्रा बनाम जन आशीर्वाद यात्रा का जो दौर चल रहा है, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, अगर ऑन ग्राउंड बात की जाए तो इन कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो जनता है वो जमीनी स्तर पर किस पार्टी के साथ आपको किस खेमे में जाती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और तीन कृषि कानून के विरोध में तीन दिवसीय परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये बात करें कल की, तो कल परिवर्तन यात्रा हरिद्वार के भगवानपुर, झबरेड़ा, मंगलौर पहुंची थी और जगह जगह जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया था और उसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे प्रदेश सरकार देवेंद्र यादव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उपस्थित रहे थे। लेकिन कल जो है हरीश रावत की यात्रा में उपस्थित नहीं रहे थे क्योंकि पंजाब में उनको कांग्रेस का प्रभारी बना गया और वहाँ संकुल मुस्लिम थी, वो तो वहाँ हुए थे। बात करें आज की, आप तीसरे चरण में जो यात्रा है वो खानपुर होती हुई लक्ष्य पहुंची है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी लक्ष्य पास पहुंच गए हैं और एक जनसभा को संबोधित किया है। जी अखिल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं और उत्तराखंड का इतिहास भी इसी तरीके का रहा है कि 5-5 साल बाद वहां की जनता पार्टी चेंज कर देती है। क्या इसके अलावा जनता और भी किन्हीं मुद्दों को लेकर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और ग्राउंड जीरो पर बात की जाए तो किसके पक्ष में आपको जो है माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वही बात करें भाजपा की, तो भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है और आज उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री हरिद्वार के भगवानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। और एक तीसरी पार्टी की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने एक और आश्वासन दिया है कि 6 महीने में 1 लाख रोजगार देने की, मतलब उन्होंने वादा किया है। इससे जनता का ध्यान उधर और भी भटका है, लेकिन जो कांग्रेस है वो मुद्दा महंगाई का पकड़ रही है और जो भाजपा है वो अपनी जो विकास कार्य की बता रही है जनता को प्रयोग लुभाने के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिल अहमद जी इस अहम जानकारी के लिए आपका।